शिक्षा विभाग में आए दिन अधिकारी और बाबू अपनी कुर्सियों पर नहीं बैठते हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर आरपी शर्मा का कहना है कि अगर अधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग में इस समय पर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी आरपी शर्मा ने DIOS ऑफिस में जो कर्मचारी समय पर नहीं आए थे उनकी 2 दिन की सैलरी काट दी थी। शिक्षा विभाग में अक्सर देखते हैं कि जो अधिकारी हैं और बाबू हैं समय से नहीं आते हैं या आते हैं तो अपनी कुर्सियों पर नहीं बैठते। इसी विषय पर बात करने के लिए जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन है उनसे बात करेंगे। आरपी शर्मा जी, आपने पहले भी कई बार कार्रवाई की है उसके बावजूद भी लोग अपनी चेयरों पर नहीं बैठ रहे हैं, क्या कारण है सर? स्पष्टीकरण हमने पहले भी मांगा था और इस संबंध में दोबारा से अगर कर्मचारी या अधिकारी अपने सीट पर बिना किसी कारण के अगर अनुपस्थित रहते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था, अब दोबारा से अगर इस संबंध में पुनरावृत्ति अगर ये लोग करते हैं तो पुनः कार्रवाई की जाएगी। अपने इससे पहले DIS ऑफिस में अपने अपने विभाग में भी चेतावनी दी है, DIS ऑफिस में भी आपने लगातार चेतावनी दी है और BSA ऑफिस में भी लगातार, जो शिक्षा विभाग के जितने भी सर ऑफिस हैं वहाँ भी हर जगह चेतावनी दी है, पर चेतावनी कहीं ना कहीं से लोग हल्के में लेते हैं सर। तो पहले आपने सर वेतन भी उनका जो काटा था इससे पहले, ऐसा है कि अब दोबारा से फिर औचक निरीक्षण फिर दोबारा से किया जाएगा और अगर अब की बार अनुपस्थित मिलते हैं तो और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर ये तो ठीक है सर, कुछ लोग तो ऐसे हैं सर जैसे कि कमरा खाली है फिर भी AC चल रहा है, लाइटें सर चल रही हैं, ये तो सर पैसा खर्च हो ही रहा है, एक तो आप कुर्सी पर बैठ नहीं रहे ऊपर से ये बिजली का और बिल और बढ़ा रहे हैं आप। मैं निश्चित रूप से इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि सभी कर्मचारी को निर्देश किया जाएगा अगर वहाँ नहीं बैठे हैं या अवकाश पर हैं तो उसको अपनी लाइट और AC अगर में है तो बंद कर दें। सर लोगों के लिए क्या मैसेज है जो लोग समय पर नहीं आते या फिर बैठते नहीं है कुर्सी पर से? उनको चेतावनी दी जाती है कि समय से उपस्थित रहें और प्रत्येक दिशा में कार्यालय में समय से जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करें, कार्यालय समयावधि में प्रत्येक दिशा में उपस्थित रहें। आरपी शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि लगातार इस तरह कोई भी अधिकारी या बाबू पाया जाएगा उस पर निश्चित जो सरकारी जो नियम है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी ताकि जो लोग जो परेशान जो होकर यहाँ पर आते हैं कोई समस्या हल करने के लिए आते हैं वो उनकी समस्या हल नहीं होती, वो चक्कर ही काटते रहते हैं। आगे से ऐसा होगा तो जरूर उन पर ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई जो है की जाएगी। साथी अपने साथी कैमरामैन के साथ इकबाल के साथ लक्ष्मी राज सिंह, CNews आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल CNews के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।